अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है और लगभग ऐसे समझो कि हर साल मतलब स्किप करके आ ही जाता है क्वेश्चन, और वैसे भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इतना अच्छा और इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस वही चीज याद रखनी है कि कोई भी चीज हो उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना। अगर आपको ये चीज पता चल जाए तो ट्रिगो की ये एक्सरसाइज 8.4 बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो घबराना नहीं है। तो टैन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, इसी का होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक और चीज, जब भी ट्रिगो करने जा रहे हो, जब भी करना है तो अपने साथ फॉर्मूले की शीट रखो, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा कि ऐसे नहीं यार कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, तुरंत आपके सामने होगा तो आप देख के कर सकते हो और उसको डेली बेसिस पे करोगे तो आपको सारी चीज याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो टैन थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन लगा दो, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टैन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें देखो कुछ नहीं किया हमने, साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, जहां टेन था वहां हमने साइन अपॉन कॉस रखा, जब कॉट था वहां कॉस अपॉन साइन रखा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब नीचे वन के नीचे कुछ नहीं है, वन हो, वन के नीचे कुछ नहीं है, वन होता है, किसी के भी नीचे कुछ नहीं होता तो वन तो होता ही है, ठीक है। तो हम अगर मैं ऐसे ले तो साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज है, तो अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहां लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, हमने सिंपल सा एलसीएम ले लिया। कैसे, मैंने बताया आपको, न्यूमेरिकली देख लो इसको, न्यूमेरिकली समझो, 2 और 1 का एलसीएम 2 लेते हो, फिर 1 की डिग्री में 2 का बात है 2 पे, 2 इंटू 1 2, 2 की डिग्री में 2 का बात है 1 पे, 1 इंटू 1 1, तो हमने इस 2 को यहां लिखा, ऐसे इस साइन को यहां लिख दिया, साइन और वन का एलसीएम साइन, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दो, अपॉन में कॉस थीटा यहां आ जाएगा, सेम एज इट इज, यहां पे एलसीएम क्या था, कॉस, इसलिए कॉस नीचे, ठीक है, कॉस यहां आ गया क्योंकि 1 और कॉस का एलसीएम कॉस था, 1 की डिग्री में कॉस का आता है कॉस पे, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, कॉस की डिग्री में कॉस आता है 1 पे, 1 इंटू साइन साइन, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो जहां जहां जो चीज यूज कर रहे हो वहां लिखना भी है। मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूं कि जैसे मैंने ये यूज किया तो जहां यूज किया आपको वहां लिखना भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आपको अब एक चीज बता दू, जैसे a बाय बी अपॉन में c बाय डी है, तो हम क्या लिखते हैं, a बाय बी इंटू डी बाय सी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। नंबर के फॉर्म में देखते हैं, जैसे 2/3 है उसके नीचे 5/6 है, 5/6 है, तो हम क्या लिखते हैं, 2/3 इंटू 6/5, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं। ऐसे ही इस केस में भी हमने क्या करते हैं, हमने देखा कि ये ऐसी फॉर्म है तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, बस नीचे वाला उल्टा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू क्या इंटू हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का, तो बीच में प्लस लगाओ,
cos theta upon में sin theta, as it is लिख दो, cos theta upon में sin theta, as it is लिख दिया, फिर इसका reciprocal, जैसे इस केस में हुआ है, वैसे उस केस में, क्या आएगा, cos theta upon में cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसका reciprocal करके, इसका reciprocal करके, उल्टा कर दिया बस, ठीक है, तो sin into sin, sin square theta, cos theta into sin theta minus cos theta. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे 5 plus 6 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 11 ही आएगा, चाहे 6 plus 5 लिख दो, 11 ही आएगा, पर ये minus के केस में नहीं होता ऐसा, हमें पता है, कि अगर मैं 5 minus 6 लिख रहा हूं, तो minus 1 आएगा ऐसा, और 6 minus 5 लिख रहा हूं, तो plus 1 आएगा, ठीक है, इनमें डिफरेंस है, प्लस की केस में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो मैं इसलिए समझाया ये इधर ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं कि sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है, ठीक है, अगर कभी भी आप कॉमन लेते हो तो टर्म सेम होने चाहिए ना, सेम टर्म को ही तो कॉमन लोगे, पर ये टर्म सेम नहीं है क्योंकि बीच में माइनस है, और इस चीज को समझो कि 5 minus 6 है तो minus 1 आता है, 6 minus 5 है तो plus 1 आता है, ऐसे sin theta minus cos theta तो एक अलग वैल्यू देगा, cos theta minus sin theta तो एक अलग वैल्यू देगा, देखने में सेम लग रहा है पर ये यही वाला केस, तो जब ऐसा हो तो क्या करना है, ठीक है, तो मुझे sin theta minus cos theta यहां है, इसको भी sin theta minus cos theta बनाना है, क्यों बनाना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज कॉमन लूंगा, अगर सेम चीज होगी तो सेम बनाना पड़ेगा, पर ये सेम है नहीं, हमें बनाना होगा, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, अगर ऐसा केस हो जाए तो हम बनाएंगे कैसे, ऐसे समझो कि a minus b है, उसको मुझे b minus a बनाना है, क्या बनाना है, a minus b को b minus a बनाना है, तो कुछ नहीं करना, minus दे देना, a minus b को क्या दे देना, minus दे देना, तो जैसे आप minus दोगे, जैसे आप minus दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपने एक चीज नोटिस की हो कि अंदर के साइन चेंज कर देना, अंदर के साइन चेंज कर देना, जैसे कि a ये प्लस था इसके आगे, अब यहां के यहां लिख दोगे माइनस, इसके आगे माइनस था, b के आगे माइनस था, अब उसको क्या लिख दोगे प्लस, उसका रीजन समझो, क्योंकि अगर मैं इस माइनस को अंदर फिर से ले जाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, सेम वही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो जब भी याद रखना कि a माइनस b को b माइनस a बनाना है तो आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस लाना होगा, जैसे ही माइनस आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है, अपनी इन नोटिस किया, ठीक है, तो माइनस इज इट इज, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, b को आगे लिख देता हूं और a को पीछे लिख देता हूं, तो ये बन गया b माइनस a, मेरे को b माइनस a बनाना था, पर b माइनस a तो बन गया, पर बाहर क्या, किस चीज का साइन आया, माइनस का, किस चीज का साइन आया, माइनस का, तो यहां लिख दो माइनस, ये वाला माइनस ये रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब क्या करना है, ए को बी को ऐसे ही समझो, इस केस में ए हमारा था कॉस थीटा, बी था साइन थीटा, उसको मेरे को बी माइनस ए बनाना था, तो मैंने बी माइनस ए तो बना दिया, बी माइनस ए तो बना दिया, पर मेरे को बाहर किस चीज का साइन मिलता है जब भी मैं ऐसा करता हूं, माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो सब कुछ एज इट इज, कॉस स्क्वायर कॉस इनटू कॉस, कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ये रहा, हमने क्या किया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को चेंज कर दिया, जब भी हम ऐसा करेंगे तो बाहर किस चीज का साइन आएगा, माइनस का,
बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान से रखना है अपने दिमाग में कि जब भी मैं साइन चेंज करता हूं माइनस का तो क्या करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझना, फिर से समझना। तो इतना हमें मिल गया, हमने क्या किया इसको बस को सेव किया, ठीक है। अब हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अब मैं नीचे अगर मैं एलसीएम लूं तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अगर वहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही रहता ना पहले जैसा, तो मेरे को यहां पे और यहां पे सेम वही एलसीएम लेना पड़ता, तो बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता, ठीक है, सेम बनाना पड़ता है। तो कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, फिर से देखो कॉस थीटा ये रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये रहा। इसकी टेबल में ये तो आते हैं पर साइन नहीं आता, साइन नहीं आता, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इस केस में आते हैं साइन के टेबल में साइन तो आता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी आता है पर कॉस नहीं आता, कॉस नहीं आता, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, ये बात समझ आई। अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। हमने नाइन्थ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना है, ठीक है। तो ए क्यूब ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए कितना है साइन थीटा, बी कितना है कॉस थीटा, ब्रैकेट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी तो कर लिया, ए स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बी बी कितना है हमारा बी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ए कितना है साइन थीटा, बी कितना है कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में एज इट इज क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट रहा है, ठीक है। इसको मैं यहां कर देता हूं, तो हमें क्या दिख रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कट रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, जहां मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वहां जरूर लिखना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा वो एज इट इज, अपॉन में भी साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान से देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर से समझा देता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और आपको पता है जैसे वन बाय टू प्लस फाइव बाय टू है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं वन प्लस फाइव ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम ले लिया टू के टेबल टू और टू कैंसिल टू, टू के टेबल टू के बाद तो वन इंटू वन दिए, ठीक है। हम ऐसे करते हैं सेम एज इट इज, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मेरे को क्वेश्चन दिया जाए वन प्लस फाइव बाय टू तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं वन बाय टू प्लस फाइव बाय टू, ये यहीं से तो आया, ये भी तो यहीं से आया, ये यहीं से आया, ध्यान से देख, ठीक है। तो हमने मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे ही,
डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं हम, हमने क्या किया दोनों को डिनोमिनेटर दे दिया, जैसे इस केस में किया था दोनों को डिनोमिनेटर दे दिया। इसको याद रखना है बेसिक से कॉन्सेप्ट से कि अगर मान लो 1/2 3/2 है तो उसको मैं लिख सकता हूं 2+1 3/2, इसको अलग से डिनोमिनेटर दे दिया, इसको अलग से डिनोमिनेटर दे दिया, ठीक है। ऐसी इस केस में किया तो ये तो पूरा कट रहा है, बच रहा है 1, ठीक है। 1/2 में साइन कितना होता है, 1/2 में साइन होता है कॉसेक थीटा, 1/2 में साइन कितना होता है कॉसेक थीटा, 1/2 में कॉस क्या होता है वो होता है सेक थीटा। तो हमारा आंसर भी यही है।